तीन चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। पहली चीज, और अगर मैं पर्सनली बताऊं तो अगर आप एक पहली चीज पे स्ट्रोंगली फोकस कर लेंगे बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, तो दो रिमेनिंग दो चीजें है ना उसके बाद अपने आप चलती जाएंगी, अपने आप हो जाएंगी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज रजनी वर्मा एंड यू आर वाचिंग ट्राई टू थ्राइव। सो अभी बहुत समय के बाद मैं एक सोलो वीडियो लेकर आई हूँ जिसमें मैं सिर्फ उन लोगों से बात करने वाली हूँ जिनकी डिमांड रहती है कि इंग्लिश को सीखने के लिए हर कोई वीडियोस बनाता है, गाइड करता है, टिप्स शेयर करते हैं, पर सब इंग्लिश में बनाते हैं, हिंदी में कोई नहीं बताता, राइट। तो मैं एक डिफरेंट प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए स्पेशली बनाने वाली हूँ। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो ये है कि वर्ड्स डोंट कम टू माइंड और आई एम नॉट एबल टू यूज वर्ड्स वाइल स्पीकिंग। हिंदी में कहे तो कि बात करते टाइम मुझे इंग्लिश के वर्ड्स याद नहीं आते या मैं यूज नहीं कर पाता, ये वाली प्रॉब्लम बिगनर्स में ज्यादा रहती है। क्योंकि ऐसा होता है ना कि इंटरमीडिएट्स और एडवांस को इंग्लिश सीखते सीखते कुछ टाइम में, कुछ समय जब वो स्पेंड कर लेते हैं इंग्लिश के साथ, तो उनको कहीं ना कहीं समझ आ जाता है कि वो इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल कर सकते हैं। बट बिगनर्स को फिर भी आइडिया नहीं होता कि इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया जाए। पहली बात तो ये कि आप जो ये चीज़ कर रहे हैं, यानी कि राइट नाउ अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, यानी कि आप हिंदी में ही कंटेंट को अभी भी कंज्यूम कर रहे हैं, आपको गाइडेंस लेनी है ले लीजिए। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहूंगी तीन चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करना है, मेजरली तीन चीजें हैं जिन पे आपको फोकस करना है, ठीक है। पहली चीज, और अगर मैं पर्सनली बताऊं तो अगर आप एक पहली चीज पे स्ट्रोंगली फोकस कर लेंगे बहुत डिटर्मिनेशन के साथ, तो दो रिमेनिंग दो चीजें है ना उसके बाद अपने आप चलती जाएंगी, अपने आप हो जाएंगी वो, ठीक है। तो वो पहली चीज ऐसी क्या है? वो पहली चीज ये है कि आपको इंग्लिश के टच में रहना है, किसी भी तरीके से इंग्लिश के टच में आपको रहना होगा, ठीक है। देखिए, अगर हम यहाँ पे किसी भी बड़ी सेलिब्रिटी का या किसी भी ऐसे इंसान का एग्जाम्पल लें जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं या बहुत अच्छे हैं इंग्लिश में ऑलरेडी, जिनको आप, हो सकता है आपने कहीं देखा हो, सुना हो, है ना। अब उनके पास ऐसा इन्वायरमेंट होता है कि या तो वो किसी से भी मिलते हैं, दिन में इंग्लिश में बात करते हैं, या फिर कॉल पे भी वो किसी से बात करते हैं तो उनकी इंग्लिश में ही बात चल रही है, या फिर एक चीज और, जब वो कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, उनके पास थोड़ा भी टाइम होता है तो वो क्या करते हैं, कुछ भी, जैसे कि कोई न्यूज देख रहे हैं, बीबीसी या कोई भी न्यूज ले लो आप, तो वो इंग्लिश में देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर उनके पास फिर भी और टाइम होता है तो वो ऑडियो बुक सुनते हैं जो इंग्लिश में सुनते हैं, तो वो अपने आप ना, उनके पास हर टाइम एक 24 घंटे एक एनवायरमेंट है जिसमें वो इंग्लिश के बहुत ज्यादा टच में रहते हैं और इंग्लिश में ही बातें करना, बोलना, सुनना, देखना, जो भी है उनका इंग्लिश में चलता है। तो मेजर जो चीज है ना वो ये है कि आपको इंग्लिश के टच में रहना है, ये एक मेजर चीज है जो आपको फॉलो करनी है। रिमेनिंग टू चीजें, वर्ड्स यहाँ रहेंगे तो ही जुबान पे आएंगे, है ना। तो वर्ड्स का यहाँ रहना बहुत जरूरी है और यहाँ वो तभी रहेंगे जब आप इंग्लिश के टच में। अब ये बात कि अब ये मत सोचना कि वर्ड्स जब यहाँ हैं और हम इंग्लिश के टच में तो वर्ड्स अपने आप मुंह से निकलेंगे, निकलेंगे लेकिन उसके लिए बोलना तो पड़ेगा, ठीक है, बोलना तो पड़ेगा ही पड़ेगा, तभी आपकी जुबान पे वो वर्ड्स आएंगे, लेकिन पहले टच में रहना बहुत जरूरी है। टच में रहोगे तो यहाँ और यहाँ अपने आप आ जाएंगे, ओके। अब उसके लिए आप ये कहेंगे कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि किसी भी इंसान को जिसको बहुत अच्छी इंग्लिश आती है या जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं तो उनके पास एनवायरनमेंट है, राइट। हमारे पास तो नहीं है, तो हमारे पास तो कोई भी ऐसा है नहीं जो इंग्लिश में बात करता हो, या फिर नहीं ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ फोन पे इंग्लिश में बात करते हो, ना हमारे आस पास ऐसे लोग हैं। तो बहुत ही अच्छी चीज मैं बताऊँ, थैंक्स टू द टेक्नोलॉजी एंड टू सोशल मीडिया, आप अपने लिए वर्चुअली एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें भी एक अच्छी बात यह कि कुछ लोगों ने ऑलरेडी आपके लिए वो एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया, यानी कि यहाँ पे बहुत सारी एप्लीकेशंस है जहाँ पे आप लोगों से बात कर सकते हैं, यानी कि आपके पास अगर 10 मिनट का टाइम है तो आप उस 10 मिनट को भी यूटिलाइज कर सकते हैं, किसी को भी, किसी भी एप्लीकेशन पे जाके किसी को भी कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं फ्री 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपना टाइम स्पेंड वहाँ पे कर सकते हैं, कुछ भी डिस्कस कर सकते हैं। जब आप दूसरे को सुनोगे तो आपको कुछ ना कुछ वर्ड्स वो सामने वाला यूज करेगा तो आपको सुनने को मिलेगा, और जब वो यूज करेगा, सुनने को मिलेगा, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और जब पहले अंडरस्टैंडिंग बनेगी तभी तो आप वर्ड्स को यूज कर पाओगे। तो पहले अंडरस्टैंडिंग पे काम करना पड़ेगा, और अंडरस्टैंडिंग पे काम करने के लिए टच में रहना, यानी कि लिसनिंग, रीडिंग एंड देन वॉचिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश, जो भी कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे हैं उसको इंग्लिश में करना शुरू कर दो, ठीक है। तो वर्ड्स आपकी जुबान पे जरूर आएंगे लेकिन एनवायरनमेंट क्रिएट करो।
अब आप जब भी कुछ भी देखें तो इंग्लिश में ही देखो, थोड़ा समझ आएगा। मान लीजिए आपने एक 10 मिनट की वीडियो देखी जिसमें किसी ने भी इंग्लिश में कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है, तो ज्यादा नहीं तो 2 से 3 सेंटेंस तो आपको समझ में आएंगे ना। अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो उन 2-3 सेंटेंस को भी नोट डाउन कर लीजिए, और जब भी आपको टाइम मिल रहा है दिन के 2-3 सेंटेंस को बार बार देख लीजिए, पढ़ लीजिए, आप बहुत ही बिगनर हैं तो, ठीक है। और ऐसे करते करते ग्रेजुअली आपके पास बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस होंगे, जब आप बार बार उनको सुनेंगे ना, या कोई भी यूज कर रहा होगा या फिर कोई भी सेकंड वीडियो आप देखोगे कोई यूज करेगा, तो आप में कॉन्फिडेंस आएगा, हाँ इसने अभी क्या कहा है मुझे समझ में आ रहा है, क्योंकि वो वर्ड का मतलब पता है मुझे और ये वर्ड मैंने सुना है बहुत बार। सुनना बहुत जरूरी है, उसके बाद बोलना बहुत जरूरी है। और थर्ड जो वे है इंग्लिश के टच में रहने का, वो है रीडिंग। राइटिंग आपकी अपनी मर्जी, आपको करनी है कि नहीं करनी, बट आपको रीडिंग डेफिनेटली करनी होगी। राइटिंग करने के भी अपने एक बहुत बहुत बेनिफिट हैं, क्योंकि आपको आप फिर यूसेज सीख जाते हैं वर्ड्स के प्रॉपरली, कि कैसे यूज करते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी आप अगर स्पीकिंग पे ही ज्यादा फोकस करना चाहते हैं तो एटलीस्ट स्पीकिंग, लिसनिंग एंड रीडिंग, और जो भी देख रहे हैं यानी कि अपने तीनों सेंसेस का यूज कीजिए। जो आप देख रहे हैं वो भी ऐसा कॉन्टेंट हो जो आप इंग्लिश में ही देख रहे हैं, जो आप सुन रहे हैं वो भी ऐसा कॉन्टेंट हो जो आप इंग्लिश में सुन रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं जिससे आप बात कर रहे हैं वो भी ऐसा ही कंटेंट हो कि आप इंग्लिश में बात कर रहे हैं। माना कि 24/7 आपके पास नहीं होगा, लेकिन जब भी टाइम मिल रहा है, जब कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, आ रहे हैं, 10 मिनट में किसी की वीडियो देखो या बात करो। और कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, आपको हर दिन वो 10 से 15 मिनट आपको स्पेंड करने ही करने हैं उस एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे। मैं किसी का भी नाम नहीं ले रही यहाँ पे, क्योंकि मैं किसी का प्रमोशन करने नहीं आई हूँ, बट आप ऑलरेडी अवेयर है, राइट। स्टिल अगर आपको लगता है कि आपको वो एप्लीकेशंस जाननी है कि कहाँ कहाँ आप फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैं एक नेक्स्ट सेपरेट वीडियो उसके लिए बना दूंगी, फिर आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं, राइट, अगर आप चाहते हैं तो। अदरवाइज आप ऑलरेडी अवेयर हैं तो आप वहाँ से चेकअप कर लें और ज्वाइन करें और अपने लिए इन्वायरमेंट क्रिएट करें। यही अकेला एक तरीका है। वर्ड्स तभी आएंगे जब उसके टच में, इंग्लिश के टच में रहना। एक चीज़ फॉलो कर लीजिए, किसी भी तरीके से उसके टच में रहिए, बस बाकी दो चीज़ें हो जाएगी। कंसिस्टेंसी भी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी, बहुत जरूरी है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब माई चैनल येट, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन टू।